श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। हर हर महादेव। 20 जनवरी माघ का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की प्रदोष पड़ रही है, तो इस दिन हमने एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आपके घर में कला कलेश ज्यादा रहता है, पारिवारिक सदस्यों में मन मुटाव रहता है, या आपका कोई छोटा बच्चा है जो आपका कहना नहीं मानता है, अपशब्द कहता है, या कोई बड़ा बच्चा है जो कि गलत मार्ग पर चला गया है, तो माघ का महीना चल रहा है। इस महीने में तिल के दान का बहुत ही अधिक महत्व है। हमारे हिंदू शास्त्रों में इस महीने अगर हम तिल का दान करते हैं या तिल से हम जो है हवन के अंदर आहुति देते हैं, तो उसका हमें बहुत ही ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। तो ये भी एक छोटा सा उपाय, हमने सफेद तिलों के साथ ये उपाय करना है, और आपके घर में इस उपाय से खुशियां ही खुशियां आएंगी, घर में प्रेम प्यार बढ़ेगा, और आपका जो बच्चा कहना नहीं मानता है वो भी आपका कहना मानने लगेगा, और उसका मन पढ़ाई में लगेगा, अच्छे कामों में लगने लगेगा। तो सरल सा उपाय है, उपाय को अच्छे से समझिएगा। पहले भी मैंने इस उपाय की एक वीडियो बनाई है, आज फिर मैं आपको ये उपाय बताने वाली हूँ। अच्छा लगे उपाय दूसरों के साथ जरूर शेयर किया करें, मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। उपाय करने के लिए गुरु जी ने हमें बताया हमने क्या लेने हैं। हमने लेने हैं तिल। तिल कौन से लेने हैं? दो तरह के तिल होते हैं, एक काले तिल होते हैं और एक सफेद होते हैं। हमने लेने हैं सफेद तिल। सफेद तिल को आपने क्या करना है, आपने पीस लेना है, अपने हाथ से आपने पीस लीजिए। मिक्सर ग्राइंडर का यूज ना ही करें तो अच्छी बात है, अपने हाथ से या सिलवटे पर, या जैसे भी कोई आप आपको जैसा आसानी से तरीका आपको पता हो, तो वो आपने इसका पीस कर आपने तिल का आपने बना लेना है पेस्ट। जो आप देख रहे हैं तिल के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे तो पेस्ट की तरह तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने ये उपाय करना है प्रदोष के दिन। त्रयोदशी पड़ रही है 20 जनवरी के दिन, उसी दिन आपने जाना है भोले बाबा के मंदिर में। वहां पर अगर तो आपका बच्चा कोई जिद्दी स्वभाव का है, अपशब्द कहता है, उसके हाथों से अगर ये उपाय करवाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं तो उस बच्चे का हाथ लगवा लीजिए। तो फिर आपने उस पेस्ट को आपने महादेव के मंदिर में जाकर उसका तिल का जो पेस्ट बनाया है उसका आपने जो लेपन है वो भोले बाबा के शिवलिंग पर अपने हाथों के साथ करना है। अपने परिवार का नाम और गोत्र बोलिएगा, इससे आपके परिवार में प्रेम प्यार भी बढ़ेगा, पारिवारिक सदस्यों का मन मुटाव भी कम होगा, और जो बच्चा आपका कहना नहीं मानता है वो भी आपका कहना मानने लगेगा। तो बहुत ही सरल उपाय है। माघ का महीना है, बहुत ही शुभ महीना ये माना जाता है। इस महीने में इस उपाय को करिए और इसका लाभ हासिल करिए। प्रदोष के दिन ये उपाय आपने करना शुरू करना है। 5 प्रदोष लगातार इस उपाय को करेंगे तो इसका बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सरल सा उपाय है, अवश्य करें और इसका लाभ हासिल करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। हर हर महादेव।